हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर को कैसे असेंबल करना है स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी तरीके से बताने जा रहा हूं। अगर आप इस सेशन के एंड तक बने रहेंगे हमारे साथ तो आपको कंप्यूटर असेंबल करना बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर असेंबल करना बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई भी कर सकता है असेंबल कंप्यूटर को। बस आपको जानना क्या है, कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस पार्ट को कैसे कनेक्टिविटी देनी है हमें, राइट? तो एक एक करके मैं बताता हूं आपको। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर आपके सामने दिख रहा है यहां पर, राइट, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस। तो अब माउस, कीबोर्ड एंड मॉनिटर को आप छोड़ दो क्योंकि ये तो एक्सटर्नली आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप ये देखना है सीपीयू के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और इनको कैसे हमें असेंबल करनी है। तो पहले मैं सारे पार्ट्स को अलग अलग दिखाता हूँ, फिर मैं आपको इसको सारा असेंबल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखो, ये सारे पार्ट्स हमारे हैं, कैबिनेट बॉक्स विद SMPS, मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, DVD राइटर, और ये सभी हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं जो सीपीयू के अंदर रहते हैं। और मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस तो बाहर आपको दिखता है। तो यहाँ देखिए, कैबिनेट बॉक्स विद SMPS, कैबिनेट बॉक्स अगर खरीदेंगे तो ऐसा रहेगा, उसके साथ SMPS रहेगा। मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड का ये फ्रंट पैनल जो बैक साइड रहता है, बैक पैनल है। ये माइक्रो प्रोसेसर है, ये रैम है, और माइक्रो प्रोसेसर और रैम मदरबोर्ड पे लगने के बाद ऐसा रहेगा, इसके ऊपर प्रोसेसर फैन आ जाएगा। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है, और ये हार्ड डिस्क ड्राइव के केबल है, साटा केबल है और ID केबल है। आज के डेट में आपको साटा केबल ही मिलेगा। ये देखिए ऐसे लगे रहेगा, साटा केबल है, ये पावर सप्लाई है हार्ड डिस्क ड्राइव में। ये DVD राइटर है, तो आज के डेट में आप DVD राइटर यूज़ ही नहीं करते हैं तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, ऑप्शन रहेगा। मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, बस ये पार्ट्स हैं। अब इनको हम लोग एक एक करके आपको रियल में दिखाएंगे और उसको असेंबल करने की कोशिश करते हैं। चलिए, सो गाइस, कंप्यूटर असेंबल करने से पहले आपके पास सारा सामान होना चाहिए, सारे पार्ट्स होने चाहिए। तो मैं सारे पार्ट्स को अलग अलग, एक्चुअली नया कंप्यूटर नहीं है, पुराना ही कंप्यूटर है जिसमें सारे पार्ट्स को मैंने अलग अलग कर दिया है। तो मैं सबसे पहले आपको सभी पार्ट्स को अलग अलग इंट्रोड्यूस करके दिखाता हूँ। सबसे पहला जो होता है ये देखिए कैबिनेट बॉक्स है, ठीक है, और कैबिनेट बॉक्स जब हम लेते हैं तो इसके साथ हमें SMPS मिलता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, ये कैबिनेट बॉक्स के साथ ही मिलता है। अगर SMPS में प्रॉब्लम हो जाती है तो SMPS आपको सेपरेट मिल जाता है मार्केट में, राइट। बट नया जब आप परचेज करते हो तो आपको ये कैबिनेट बॉक्स के साथ ही मिल जाता है SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई, राइट। तो पहला पार्ट हमारा ये हो गया, और इसके बाद हम बात करते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट पार्ट की, जो है मदरबोर्ड। और ये देखिए मदरबोर्ड का लुक है, और ये मदरबोर्ड पे, ये ऑनबोर्ड मदरबोर्ड है। यहाँ पे देखिए ये माइक्रो प्रोसेसर का सॉकेट है, और भी जो इसके इंटरफेस बैक पैनल है, यहाँ पे ये बैक पैनल जो होता है, हम इस कैबिनेट बॉक्स में मदरबोर्ड को ऐसे सेट करते हैं कि ये बैक पैनल जो होगा ये बाहर की साइड में आ जाएगा, जहां पे हम इंटरफेसेस को कनेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो अब ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको करके इसके अंदर फिक्स करके हम दिखाएंगे। तो ये हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं, ये है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को हम इस मदरबोर्ड पे लगाते हैं, यहाँ पे लॉक है, इसको लॉक को हम ओपन करते हैं और इसके अंदर हम सेट कर देते हैं। तो ये हो गया, और इसके बाद हो गया हमारी ये मेमोरी, रैम। रैम है यहाँ पे, मदरबोर्ड में रैम स्लॉट है, यहाँ पे आप लगा सकते हैं, दो स्लॉट बेसिकली बना हुआ है। आप डिपेंड करता है एक रैम लगा रहे हो या दो रैम लगा रहे हो, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो एक रैम, अगर 4GB का रैम है 4GB, 4GB 8GB का रैम लगा सकते हो, 2GB का है तो 2GB 2GB करके 4GB का रैम आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया, और ये सबके बाद क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, राइट, ये स्टोरेज के लिए। और एक चीज और मैं बताता हूँ, जब ये प्रोसेसर हम लेते हैं और प्रोसेसर को हम सेट करते हैं, प्रोसेसर के ऊपर हमें फैन लगाना पड़ता है, ये सीपीयू फैन बोलते हैं इसे। ये फैन इसलिए लगाते हैं क्योंकि प्रोसेसर का ये मल्टीटास्किंग होता है, मल्टी फंक्शनिंग होता है, बहुत ज्यादा काम करता है, हीट हो जाता है, इसको कूल करने के लिए प्रोसेसर लगाते हैं। और ये प्रोसेसर को सेट करके हम दिखाएंगे आपको, और
ये सभी हमारे पार्ट्स हो गए कंप्यूटर के। डीबीडी राइटर हमारे कंप्यूटर में नहीं है, वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो इस समय के कंप्यूटर में लगाओ या मत लगाओ। नॉर्मली कोई नहीं लगा रहा है डीबीडी, इस समय डीबीडी कोई यूज नहीं कर रहा है। तो बस इतने ही हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। इसके बाद जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं वो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, वो एडिशनल है, आप जानते ही हैं उसके लिए। तो अब हम इसको फिक्स करके आपको दिखाएंगे एक एक स्टेप कैसे इसको फिक्स करना अपने कैबिनेट बॉक्स में। इसी को हम बोलते हैं असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब होता है ये सारे पार्ट्स को एक साथ सेट करके कैबिनेट बॉक्स में लगा देना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना है, इस मदरबोर्ड के ऊपर जो माइक्रो प्रोसेसर स्लॉट है, सॉकेट है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर को सेट करना है। तो ये देखिए लॉक है, इसको ओपन करेंगे और इसका जो इसका वो एंगल मिलाएंगे मदरबोर्ड से और उसको हम सेट कर देंगे इसमें। और फिर से हम लॉक को लॉक कर देंगे, इसको लॉक हो जाएगा। अगर आपको पेस्ट लगानी है तो ये पेस्ट लगाइए, नए अगर नया हम जब प्रोसेसर लेते हैं तो उसमें पेस्ट लगा रहता है, पुराना है अगर पेस्ट लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होता है, ये कूलिंग के लिए और ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर पेस्ट नहीं है तो ये देसी पेस्ट लगा सकते हैं, आपके पास जो टूथपेस्ट होता है इसको लगा दीजिए, नहीं तो स्पेशली प्रोसेसर के लिए एक पेस्ट आता है, आप उसको यूज करिए। अब देखिए ये प्रोसेसर का फैन होता है, इसको हमें सेट करना रहता है, आपको बहुत केयरफुली इसको सेट करना है, नहीं तो मदरबोर्ड के ऊपर लगे हुए कंपोनेंट डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसको लगाकर और इसको टाइट कर देना है स्क्रू ड्राइवर से जस्ट। ये देखिए टाइट हो गया। तो मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर लग चुका है और अब हम रैम को लगा देंगे मदरबोर्ड के ऊपर। ये देखिए रैम का ये सॉकेट स्लॉट है और यहां पे हम लगा देंगे इसको रैम स्लॉट, किसी दो स्लॉट है आप किसी में लगा दीजिए। रैम फिक्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये प्रोसेसर का जो फैन है इसको हम कनेक्ट कर देंगे मदरबोर्ड में। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कैबिनेट बॉक्स जो हमारा है एसएमपीएस, बेसिकली ये बाहर मिलता है, अलग से मिलता है आपको, तो आपको कैबिनेट बॉक्स में सबसे पहले एसएमपीएस को आप लगाइए, फिर आप मदरबोर्ड को लगाइए उस कैबिनेट बॉक्स में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कैबिनेट बॉक्स में एसएमपीएस को हम फिक्स कर लेंगे। ये देखिए इसका कवर है और ये इसके पैनल्स हैं, अलग अलग ये एलईडी अलग अलग लाइट इसके लिए लाइटिंग के लिए है। ये एसएमपीएस का ये बैक साइड है, देखिए ये यहाँ पे जो बना हुआ है कैबिनेट बॉक्स में ये बाहर आ जाता पोर्शन जहां पे हम अपना पावर केबल लगाते हैं जो हमारे मेन बोर्ड से कनेक्ट होती है। और इसमें चार स्क्रू हैं, चारों स्क्रू को आप टाइट कर लीजिए, कैबिनेट बॉक्स में सेट हो जाएगा। तो स्क्रू ऐसे टाइट कर लेंगे हम, चार स्क्रू रहेगा, ये चारों स्क्रू को हम टाइट कर लेंगे और ये एसएमपीएस फिक्स हो चुका है हमारे कैबिनेट बॉक्स में। अब हमें मदरबोर्ड को सेट करना है इस कैबिनेट बॉक्स में, इसके पीछे जो है ये कवर होता है इसको लगाना जरूरी होता है क्योंकि शॉर्ट, और ये बैक पैनल है, देखिए बैक पैनल जो मदरबोर्ड में होता है उसके साथ ये कवर होता है जो हमारे कैबिनेट बॉक्स में इसको कवर कर लेती है फिक्स करने के लिए। तो ये जरूरी होता है पेपर लगाना, पेपर अगर नहीं लगाएंगे कुछ भी आप लगा दीजिए, स्पेशली मदरबोर्ड के लिए आता है जब नया मदरबोर्ड लेते हैं, नहीं तो आप अलग से कुछ लेके लगा सकते हैं, नहीं तो ये नहीं है तो मदरबोर्ड शॉर्टिंग होने का चांस होता है। ये बैक पैनल का कवर है, ये जो कैबिनेट बॉक्स में सेट हो जाएगा, इससे क्या होता है मदरबोर्ड का जो बैक पैनल होता है ये इसके अंदर जाम हो जाता है, नहीं तो आपको लगाने में पोर्ट इंटरफेस लगाने में दिक्कत आती है और मदरबोर्ड भी लूज होने के चांस है। तो देखिए ये सेट हो गया कैबिनेट बॉक्स में, अब मदरबोर्ड को हम लगाएंगे उसी के अंदर सेट हो जाएगा, स्पेशली उसी के लिए रहता है, जब कैबिनेट बॉक्स आप लेते हो उसके साथ वो रहता है, वो अलग से आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब ये जो है हमारा मदरबोर्ड का बैक पैनल है ये उसी के अंदर आ जाएगा। ये मदरबोर्ड को जाम करने के लिए स्क्रू है, चार स्क्रू रहेगा नॉर्मली, आप चारों को नहीं इसको आप इसको टाइट कर दीजिए, बहुत केयरफुल इसको करना रहता है।
मदरबोर्ड लूज रहेगा तो शॉर्ट होने का चांस रहता है, इधर उधर जब ये अप डाउन होगा तो कहीं ना कहीं शॉर्ट होता है, इसलिए इसको हमेशा टाइट करके रखना होता है। ये फ्रंट पैनल होता है और ये जो होता है सभी का एलईडी पावर, जैसे पावर का स्विच ऑन जब करते हैं, अगर ये नहीं लगाएंगे तो पावर स्विच ऑन नहीं होगा। दूसरा एलईडी होता है तो अलग रीसेट के लिए, ये सभी बटन होता है। जब कैबिनेट बॉक्स में आप क्या करते हैं ऑन करते हो तो वहां लाइट जलती है, तो कहीं ना कहीं ये सभी एलईडी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसको केयरफुली हमें फ्रंट पैनल में मदरबोर्ड में लगाना रहता है, सेट करना रहता है। तो आज के जो लेटेस्ट कैबिनेट बॉक्स आ रहे हैं उसमें तो ये सिस्टम लगभग जा चुका है, बाय डिफॉल्ट एक कैबिनेट बॉक्स में आ जाता है जब एसएमपीएस हमारा हो जाता है, ठीक है, एक या दो पैनल रहता है। पहले के कैबिनेट बॉक्स में आप देखेंगे तो कुछ ज्यादा ही रहता है, क्योंकि रीसेट, पावर स्विच ऑन, पावर एलईडी, हार्ड डिस्क एलईडी, बहुत सारे ये फ्रंट पैनल ये रहते हैं इंटरफेस, ठीक है। तो इसको देखिए मदरबोर्ड में कैसे हम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम देखें ये जो दो इंटरफेस हम लगाते हैं, एक ऑडियो है इसमें और एक यूएसबी के लिए, जो यूएसबी हम यूज करते हैं कैबिनेट बॉक्स में लगाते हैं वो इसी से आता है। इसको अगर नहीं लगाएंगे तो यूएसबी काम नहीं करेगा। तो इसको देखिए, इसको हम लगाते हैं पहले यहाँ पे, बहुत सिंपल, उस पर लिखा रहेगा, आप देख के कर देना है, मदरबोर्ड में भी लिखा रहेगा और इस पैनल पे भी लिखा रहेगा। और इसके बाद आप देखेंगे अलग अलग, ये जो है अलग अलग पैनल है, इसमें पावर स्विच ऑन, पावर एलईडी और रीसेट अलग अलग है, और मदरबोर्ड में लिखा रहेगा, आप ध्यान से देखेंगे तो उसको जस्ट उसमें लगा देना रहेगा। ये हार्ड डिस्क ड्राइव है और इसको अब हम क्या करेंगे, कैबिनेट बॉक्स में फिक्स करना। देखिए ऐसे हम कैबिनेट बॉक्स में लगाते हैं, ये कैबिनेट बॉक्स अगर रैक में कहीं भी लगा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है यहीं पे, आप नीचे ऊपर, इसीलिए इसमें कई सारे रैक बने हुए हैं, आप कई सारे हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। यूजली दो हार्ड डिस्क आप लगा सकते हैं, आपके पास ऑप्शन चार हार्ड डिस्क लगाने का है तो चार हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, लेकिन आपकी मर्जी। यहाँ देखिए स्क्रू है, इसको टाइट कर देना है। हार्ड डिस्क को कभी भी लूज नहीं रखना चाहिए, हमेशा टाइट करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जैसे कि आप मालूम है इसका फंक्शन में क्या होता है, इसका प्लेटर बहुत स्पीड से रोटेट होती है तो ये आवाज आती, वाइब्रेट भी करती है, तो अगर लूज रहेगा तो शॉर्ट होने का चांस ज्यादा रहता है, इसलिए हमेशा टाइट करके रखना चाहिए। गाइस अब बात आती है कनेक्टिविटी की, तो दो चीजें हमें कनेक्ट करनी होती है, एक तो डेटा सप्लाई के लिए हमें कनेक्टिविटी करनी होती है, एक पावर सप्लाई के लिए। पावर सप्लाई के लिए जो भी कनेक्टिविटी होती है एसएमपीएस से आती है, तो एसएमपीएस से मदरबोर्ड देखिए ये होती है, और एसएमपीएस से आईडी या साटा डिवाइस जो भी है उसके लिए कनेक्टिविटी है, तो ये पावर सप्लाई देती है और डेटा सप्लाई। सबसे पहले हम डेटा सप्लाई करते हैं, देखिए ये साटा डेटा केबल है, साटा केबल है जो कि हार्ड डिस्क में हम लगाएंगे, तो एक पोर्ट, एक इंटरफेस हम मदरबोर्ड में लगाएंगे और एक हार्ड डिस्क ड्राइव में, तो ये साटा केबल है, साटा डेटा केबल इसको बोलते हैं। ये 7 पिन का इंटरफेस है, बहुत केयरफुल इसको लगाना रहता है। ये देखिए हार्ड डिस्क में लग गया, अब एक मदरबोर्ड में साटा 1, साटा 2, साटा 3 ऐसे रहता है मदरबोर्ड में पोर्ट, वहां पे आपको लगाना है इसको, तो ये कोई जो किसी में लगा सकते हैं, किसी भी इंटरफेस में लगा सकते हैं। अब बात आती है कि इसके पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई जो भी आते हैं सब एसएमपीएस आता है। यहाँ देखिए इसको हम मोलेक्स पावर सप्लाई बोलते हैं, ये मोलेक्स साटा के लिए, तो साटा मोलेक्स सप्लाई है, इसको हम कनेक्ट कर देंगे। 15 पिन का इंटरफेस रहेगा जो कि 17 वोल्ट पावर लेता है। और इसके बाद हम बात करते हैं ये सब मदरबोर्ड के लिए पावर सप्लाई, मदरबोर्ड के लिए ये देखिए पावर सप्लाई है। अब जो भी मदरबोर्ड, अगर ATX है, BTX है, कौन सा बोर्ड है उसके लिए, उसके अकॉर्डिंग 20 पिन या 24, ये BTX मदरबोर्ड है 24 पिन का पावर सप्लाई है, इसको मदरबोर्ड में आपको लगाना रहेगा। यहाँ पे देखिए बहुत सिंपली आपको थोड़ा सा इसको प्रेस करना है यहाँ पे जैक को, और ये ओपन हो जाएगा, आप वहां पे प्रेस करके फिक्स कर देंगे, ये लग जाएगा। ये देखिए सॉफ्ट पावर सप्लाई होता है, ये 4 पिन का है, ये प्रोसेसर के हमेशा इर्द गिर्द ही रहेगा, इसको भी आपको लगाना रहेगा, इसको लगा दीजिए। एक्स्ट्रा पावर सप्लाई ये देता है हमारे माइक्रो प्रोसेसर को, तो इसको लगा दीजिए। अब अगर आपके पास और हार्ड डिस्क है या डीवीडी है तो उसके लिए पावर सप्लाई है, अभी हमारे पास नहीं है तो इसको सिंपली हम इसके अंदर इसको रख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। ओके, तो सो गाइस एट लास्ट हम लोग पूरा इसको सेट कर चुके हैं,
पूरा कैबिनेट बॉक्स में सारे हार्ड डिस्क ड्राइव को जितने हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स है सभी को हम फिक्स कर रखे हैं, इसी को हम बोलते हैं असेंबलिंग। अब इसका कवर हम फिक्स कर देंगे, हम लगा देंगे यहाँ से, और इसमें भी दो स्क्रू रहेगा, इसको टाइट कर देंगे। आपका कंप्यूटर असेंबलिंग रेडी हो गया, आपका डेस्कटॉप रेडी है। देखिए,